हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर आलू कटलेट। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक पैन गरम कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, जीरा और अनारदाना। इन सब को रोस्ट करने के बाद हम इन्हें कूट लेंगे दरदरा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इन्हें एक कूटने वाले की हेल्प से कूट लूंगी दरदरा। तो फ्रेंड्स, हम अपना मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले बॉइल्ड आलू, प्याज, गाजर कद्दूकस किया हुआ, ये हमने ऑरेंज सैलेड वाला गाजर लिया है, पनीर, इसमें है हरी मिर्ची, हरा धनिया और अदरक लहसुन जो हमने अभी भुना था वो मैंने इसमें कूट लिया है, वो भी इसमें मिला लेंगे। अब इसमें मिलाते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक। अब इसमें हम मिलाएंगे चावल का आटा 5 से 6 बड़ी चम्मच। इसी के साथ इसमें हम मिलाएंगे ब्रेड क्रम्स 2 चम्मच। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है अच्छे से। अब मैं इसकी गोल गोल टिक्कियां बना लेती हूँ या कटलेट। इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे कटलेट का शेप रेडी है। अब हम इन्हें शैलो फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है, हार्डली 1/2 कप तेल लिया है। इसमें हम शैलो फ्राई करेंगे अपनी टिक्कियों को। तो एक एक करके इसमें प्लेस कर लेते हैं। इनको हल्की आँच में पकाइए, मैंने फ्लेम कम कर रखा है। एक तरफ से हमारी टिक्कियाँ पक चुकी हैं तो हम इन्हें धीरे धीरे करके पलट लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही हम इसे दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। हमारी टिक्कियाँ दोनों तरफ से पक के रेडी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आलू पनीर कटलेट रेडी हो चुके हैं। इनको हमने शैलो फ्राई किया है जैसा कि आपने देखा था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसमें। इसी के साथ हमने सिर्फ एक तवा फ्राई भी किया था तो उनका कलर और टेक्सचर ऐसा आया है। ये भी बहुत अच्छे हैं। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं यूज़ हुआ, हार्डली 1 चम्मच ऑयल यूज़ हुआ। तो आपको जैसा भी पसंद है वैसा बनाइए और खाइए।